तुर्की सीरिया में जिस तरह से भूकंप ने अपना कहर बरपाया है, उसे लेकर पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। तुर्की में आए भूकंप के बाद अब IIT कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक ने दावा किया है कि जल्द ही भारत में भी भूकंप के झटके महसूस होंगे। उन्होंने देश में हुई भूकंप की घटनाओं को लेकर शोध किया है। भारत में 7.5 तीव्रता से अधिक के झटके महसूस होंगे। कुछ दिन पूर्व जिस तरह से तुर्की, सीरिया और लेबनान में भूकंप आया है, बीते साल भारत के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिसको लेकर IIT कानपुर के वैज्ञानिक जावेद मलिक ने भारत में आने वाले दिनों में तगड़ा भूकंप आने की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि भूकंप का केंद्र हिमालय, अंडमान निकोबार या फिर कच्छ भी हो सकता है। भूकंप की वजह को लेकर प्रोफेसर जावेद मलिक का कहना है कि जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से लड़ते हैं, तब इनके टकराने व मोशन से जो तनाव की स्थिति बनती है वो ऊर्जा में बदलती है और इस वजह से भूकंप आता है। अगर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है तो भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं और ये बेहद खतरनाक भी होते हैं। वहीं अब तुर्की में आए भूकंप की बात की जाए, इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा तीव्रता भूकंप वर्ष 2014 में आया था, जिसकी तीव्रता 9.1 आंकी गई थी। जावेद मलिक का कहना है कि देश में भूकंप को लेकर 5 जोन बने हैं। सबसे खतरनाक जोन 5 के इलाके हैं। जोन 2 को लगभग सुरक्षित माना जाता है और कानपुर जोन 3 में आता है, जहां हल्का असर देखने को मिलता है। जोन 5 में कच्छ, अंडमान निकोबार, हिमालय के आसपास का क्षेत्र, उत्तराखंड आदि है। वहीं जोन 4 में बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, रुड़की, नैनीताल समेत तराई वाले क्षेत्र हैं। जोन 3 में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र आदि हैं।